हाय दोस्तों, मैं गौतम कुमार आप सभी के लिए फिर से एक शेयर पे चर्चा करने जा रहा हूँ जिसका नाम है विकास लाइफ केयर लिमिटेड। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस शेयर पे फिर से क्यों चर्चा किया जा रहा है, तो वो है डेट 29 मई 2024 का। उससे पहले उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अपने एटीट्यूड के अनुसार अपने ज़िंदगी को खुशहालपूर्वक जी रहे हैं और अपने व्यवहार को इस प्रकार बनाए रखे हैं ताकि किसी भी जीव जंतु को कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है। उस डेट के खास न्यूज़ को जानने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। विकास लाइफ केयर लिमिटेड, जिसका कि मार्केट कैप 843 करोड़ का, करेंट प्राइस 4.95 रुपया, 52वीं का हाई लो 8 रुपया और 2.66 रुपया, बुक वैल्यू 2.45 रुपया, अपने बुक वैल्यू से 2 गुना पे ट्रेड कर रही है ये शेयर। डिविडेंड यील्ड कुछ भी पे नहीं कर रही है, ROC ROE माइनस में है, फेस वैल्यू 1 रुपया। ये 1 ईयर का प्राइस चार्ट है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कंसोलिडेट करेगा। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार सूझबूझ के अनुसार ही करें दोस्तों। इस कंपनी में प्रोज और कॉन्स दोनों 3-3 है, यानी कि बराबरी का मामला है गुण और दोष का। यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट दिसंबर 2023 का ही है, उसके बाद का अभी रिजल्ट आया नहीं है। दिसंबर 2023 में जो नेट प्रॉफिट हुआ था इसको माइनस में 3,87,00,000 का, जिसके वजह से EPS माइनस में 2 पैसा। ये स्क्रीनर के वेबसाइट पे है। थोड़ा सा इस शेयर के बैलेंस शीट पर ध्यान देंगे। इक्विटी कैपिटल सितंबर 2023 के अनुसार 144 करोड़ का है, रिजर्व इसके पास में 208 करोड़ का, ब्रोइंग 26 करोड़ का और अदर लाइबिलिटीज 79 करोड़ का, टोटल लाइबिलिटीज 457 करोड़ का। इस कंपनी का फिक्स एसेट भी है जो कि 57 करोड़ का है, इन्वेस्टमेंट 89 करोड़ का, यानी कि 89 करोड़ का हो चुका है बढ़ करके, अदर एसेट 310 करोड़ का, टोटल एसेट 457 करोड़ का। एक नज़र शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अप्रैल 2024 के अनुसार प्रमोटर के पास में 12.16% का है जो कि प्रमोटर का होल्डिंग बढ़ा है। FIH के पास में 10.15% है, ये भी बढ़ा हुआ है। गवर्नमेंट के पास में कुछ भी नहीं है और पब्लिक के पास में 77.68% का है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, यानी कि इस शेयर के प्रति थोड़ा सा रुझान इस मंथ में कम हुआ है इस मंथ के अनुसार। इस शेयर का लास्ट अपडेट न्यूज बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन फॉर मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन मई 29, 2024, तो 29 मई को बोर्ड मीटिंग होगा, उसी के बारे में इसमें न्यूज है और क्वार्टरली रिजल्ट से भी संबंधित होगा, जिसका कि विस्तार पूर्वक यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। विकास लाइफ केयर लिमिटेड, मई 13, 2024, स्क्रिप कोड 542655, NSE सिंबल विकास लाइफ, सब्जेक्ट इंटीमेशन ऑफ बोर्ड मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन मई 29, 2024। तो 29 मई 2024 को बोर्ड मीटिंग है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, और वो दो बातों के लिए जो कि एक नंबर और दो नंबर करके दिया गया है, टू कंसीडर अप्रूव एंड टैक ऑन रिकॉर्ड द ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी फॉर क्वार्टर एंड फाइनेंशियल ईयर इंडेड 31 मार्च 2024, और दूसरा है टू कंसीडर एंड अप्रूव एनी अदर आइटम्स विथ द परमिशन ऑफ द चेयर। तो ये दो तरह के बातों पर मीटिंग होगा। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार सूझबूझ के अनुसार ही करें दोस्तों। विकास लाइफ केयर लिमिटेड जो कि NSEIndia.com वेबसाइट पर है,
जिसका कि शेयर प्राइस 5 रुपया। इस कंपनी में सेल ऑर्डर लगा हुआ है 1561 का, जो कि 4 रुपया 95 पैसे पे। अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा PSEIndia.com वेबसाइट के नाम है उस पे विकास लाइफ केयर लिमिटेड के शेयर प्राइस 4 रुपया 98 पैसा, जो कि 13 मई 2024 16:00 बजे का लास्ट अपडेट है। यहाँ पर भी जैसा कि न्यूज में है, बोर्ड मीटिंग इंटीमेशन फॉर मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन मई 29, 2024 13/5/2024 का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि 18 अप्रैल 2024 का अपडेट है। प्रमोटर होल्डिंग 12.16%, जो कि 31 मार्च 2024 को 11.39 था, वो बढ़ करके अब 12.16 हो चुका है। ये बहुत ही अच्छा साइन है इस शेयर के लिए। और पब्लिक के पास में 87.84% का है टोटल 100%। इस शेयर में डिलीवरी पोजीशन 13 मई 2024 का 16:00 बजे का लास्ट अपडेट, क्वांटिटी ट्रेडेड 38,98,636, डिलीवरी क्वांटिटी 20,48,313, डिलीवरी पोजीशन रहा परसेंटेज 52.54% का। तो ना ही ख़राब ना ही अच्छा, लेकिन एवरेज है डिलीवरी परसेंटेज इस शेयर के लिए। इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार सूझबूझ के अनुसार ही करें दोस्तों। मैं वीडियो बनाता हूँ ओनली वन नॉलेज पर्पस। इस शेयर में आगे क्या हो सकता है, तो मेरे आइडिया अनुसार हो सकता है कि ये 29 मई 2024 से पहले ये शेयर लगभग 6 रुपये के आसपास ट्रेड करेगी। बाकी इन्वेस्टमेंट अपने बुद्धि विवेकानुसार और सूझबूझ के अनुसार ही करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।